ये गरीबों की पैसे से बन रहा है। कह रहे हैं हमसे, हम कहने ठेकेदार जी का नंबर दीजिए, तो ये कह रहे हैं कि हम पूरे गांव का कितने कितने ठेकेदारों का नंबर दें, कितने लोगों का नंबर दें। इतना बढ़िया तो ये चिप्पी साटा जा रहा है, इससे अच्छा तो नहीं बना होता तो होता ना जी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं जंगल नाहर छपरा, जो ये कुरमौल से होते हुए रोड पिजवा स्थान में जोड़ती है और वो रोड सीधे आपका सूर्यनगर तक जाता है। और इस रोड की स्थिति में एक बार थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है रोड की स्थिति, आप देख ली कितना टूटा हुआ रोड है और कितना ये खराब रोड है, टूट चुका है। लेकिन मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि इस रोड पर मरम्मत हो रही है। योगी सरकार का कहना है कि गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए, तो गड्ढा मुक्त हो रहा है, लेकिन किस तरीके से हो रहा है सारी सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्राउंड रिपोर्टिंग से आप देख सकते हैं, देखिए अभी ये ताज़ा ये यहाँ पे चिप्पी साटा गया है और ये गड्ढा मुक्त सड़क बनाया जा रहा है। लेकिन कहाँ पे गड्ढा मुक्त सड़क है, पूरा वैसे का वैसे यहाँ पे दिख रहा है। योगी सरकार तो अच्छा काम कर रहे हो, तो बोल दिए कि गड्ढा मुक्त सड़क होना चाहिए, लेकिन कहाँ पे गड्ढा मुक्त सड़क है आप देखिए। अब मैं यहाँ के लोगों से थोड़ा जानना चाहूँगा किस तरीके का, हाँ बताइए क्या किस तरीके का ये रोड बनाया। इतना योगी सरकार का कहना है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हों, लेकिन ये तो गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ है भाई, आप ही देख ही रहे हैं रोड, यहाँ टिकरी साट दिया गया है और कल का ये रोड बना हुआ है। तो हम लोग ठेकेदार से पूछा ये रोड बन गया है, तो बोला है कि हाँ बन गया है। तो फिर मैं बोला कि चलिए दिखा रहा हूँ मौके पर, रोड बना है कि क्या हुआ है, आप देख रहे हैं नीचे जी। तो बोला है चलिए दिखाओ, तो दिखाए तो बोला है कि नहीं अभी इस पर छोटा वाला गिट्टी गिरेगा ऑलरेडी। फिर दूसरा एक कोई आदमी आया उसका, तो बोला ये तो रेडी हो गया है। तो मैं बोला कैसे टूट गया है, ये कल का रोड बना हुआ है ना। वो बोल रहा है कि पास भी हो गया है, उधर काम नहीं होगा। मैं बोला कैसे नहीं होगा, काम पूरा रोक देंगे, पास क्यों हो गया है, गांव वाला लोग अभी सभी लोग खड़े हैं जी, क्यों नहीं होगा। और भी क्या कहना चाहेंगे आप लोग इसको लेकर के, क्या ये सही में ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है? ना ये सही नहीं हुआ है, ये सब काम हम लोग को पसंद नहीं है, ये सब काम ऐसे ही वैसे ही पैक कर रहे हैं लोग, खराब हो रहा है, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है ये जी। नीचे कचरा का तेल वो गिर ही नहीं रहा है, ना झाड़ू लगा रहे हैं लोग, वैसे ही ऊपर से माल गिरा दे रहे हैं, बोल रहे पूरा फाइनल। कारों को रिलाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, से काम किए हैं एकदम जरूर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए अभी जैसे बता रहे हैं लोग कि ठेकेदार बोलेंगे पास भी हो चुका है, लेकिन पास कौन किया है? और जो पास किए हैं जेई, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप एक बार यहां पर आइए और देखिए क्या ये सही तरीके से ये चिप्पी जो साटा गया है ये हुआ है नहीं। चाचा आप बताइए क्या ये आपके नज़र में अच्छा काम हुआ है कि नहीं हुआ? कहाँ अच्छा काम हुआ है, इतना बढ़िया तो ये चिप्पी साटा जा रहा है, इससे अच्छा तो नहीं बना होता तो होता ना जी। ये आगे गड्ढा है, यहाँ बन गया, बोल रहे हैं कि बड़े बड़े गड्ढा को हम भरना है, तो क्यों छोटे गड्ढा को नहीं भरा जाएगा जी? योगी सरकार सीधे बोल रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़क होनी चाहिए। गड्ढा मुक्त का मतलब क्या होता है? और गड्ढा मुक्त का मतलब होता है पूरा गड्ढा भर दिया जाए ना, कहीं गड्ढा नहीं दिखाई दे, कहीं गड्ढा नहीं दिखा दे, एकदम फ्रेश होना चाहिए। तो मान लीजिए एक हाथ दूरी पर गड्ढा है, एक हाथ दूरी पर भर दे रहे हैं, एक हाथ दूरी पर छोटा गड्ढा है उसको छोड़ दे रहे हैं जी। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, अब क्या इसको काम को बंद कराना चाहिए, नहीं तो बनवाएं तो पूरा फ्रेश से बनवाएं जी। कहीं ना कहीं एक बार जांच भी होना चाहिए। और भी लोगों से मैं जानना चाहूंगा, आप बताइए क्या होना चाहिए? बढ़िया बनाना चाहिए, बढ़िया बनाना चाहिए। हाँ। तो जब ये बन रहा था तो आप लोग कहाँ पे थे? हम लोग नहीं थे, हम लोग अभी देखे तभी तो रोके है ना हम लोग जी। हाँ बताइए, इस समय देखा गया एक जब सड़क बन रहा है तो बनना चाहिए, तो जब गड्ढा प्रदेश सरकार करके गड्ढा मुक्त करना है जिसको फिलहाल में पूरे गड्ढा मुक्त करना चाहिए इनको, बशर्ते ये कहना है कि जो अधिक जो गड्ढा है उसको इन्होंने अधिक गड्ढे को मुक्त कर रहा है, और जो बगल में जितनी भी अगर गिट्टी गुजड़ गई है लगभग 2-3 साल बना उसके बाद से इन लोगों को ये करना चाहिए कि पूरे एक बराबर एक लेवल में बनाना चाहिए जी, कम से कम इतना होना चाहिए। कहीं ना कहीं और भी थोड़ी सी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए इधर पास हो गया है, ये बन चुका है, और ये देखिए ये ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है? नबी रसूल। नबी रसूल, आप क्या हैं यहाँ के? काम देखभाल। मतलब क्या है काम देखभाल में, कौन से आप पद पे हैं? बेलदार। बेलदार हैं। अभी जैसे ग्रामीणों ने बताया मुझे कि आप बता रहे हैं कि उधर का काम पास हो गया है। हमारे कहने का मतलब ये गड्ढा मुक्त माने गड्ढा जो जहाँ बात ज्यादा है वह गड्ढा बनता, ओकर बाद बताओ तो विभाग मन बताओ दिया जो एक और तो हो तो तत्काल के लिए गड्ढा भरा है बस इतने। तो ये कहाँ से कहाँ तक काम हो चुका है मुझे बता दीजिए, पूरा बिशनपुरा ब्लॉक बा इस रोड का बताइए ना मुझे आप, इस रोड का काम कहाँ से कहाँ तक फाइनल आप करा दिए हैं? जिधर काम आपको नहीं कराना है वो बताइए मुझे।
जैसे आपने चिप्पी सटवा दिया है फिर उधर दोबारा नहीं जाना, फाइनल आप करा दिए कहाँ से कहाँ तक करा दिए फाइनल? और मैं बाकी बात करीब करीब 2-3 किलोमीटर फाइनल कहाँ से कराए हैं आप? उधर फाइनल हो गया है? उधर नहीं है, उधर वहाँ से आओ तट इधर से भी तो आ रहा है ना? है इधर से। अच्छा इधर से, इधर से आ रहा है, वो से थी। चलिए एक मिनट, हाँ आप बताइए क्या हुआ था, क्या हुआ था बताइए। जैसे कह रहे हमसे मंगने ठेकेदारी का नंबर दीजिए, तो ये कह रहे हैं कि हम पूरे गांव का कितने कितने ठेकेदारों का नंबर दें, आप कितने लोगों का नंबर दें? हम अधिकारी जो कहे हैं यही लोग कहे हैं जो कौन है नाम हमको नहीं मालूम है, नाम मालूम है अभी आप बोल रहे हैं। अरे आप पता नहीं कर सकते हैं जेई कौन इस रोड का, हमको तो नहीं मालूम है, हम तो लेबर हैं। आप किसके अधीन में काम कर रहे हैं? आप मुन्ना यादव के ठेकेदार के चार्ज में काम कर रहे हैं? तो आप ये बताएंगे ना कि उनसे पूछ के बताइए कि भाई यहाँ का जेई कौन? वो आ रहे हैं, खुद आएंगे, वो बताएंगे। अब उनका मुंशी बता बुलाए उनको। हम मुंशी कौन है? यही पे थे अभी आप बोल रहे हैं मुंशी यही है? मुंशी आप मुंशी हैं? हाँ आप बताइए, आप बताइए कौन है मुंशी, कौन है आप बताइए? गईला मोटरसाइकिल से अभी बोल रहे हैं तो हम कुछ नहीं है, वही है मुंशी। एक काम कराने वाले भैया, हमने काम, हमें आपसे कोई देखी दुश्मन नहीं है। ये जो पैसा लग रहा है ना सरकार अपने खजाने से नहीं दे रहा है, ये गरीबों के पैसे से बन रहा है। बोला कि वो फाइनल कर दिया। आइए भैया आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मुंशी आप है। अब ये जो चिप्पी साटा जा रहा है, गवर्नमेंट का कहना है गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए, गड्ढा मुक्त का मतलब क्या होता है मुझे बताइए सर? इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक नॉलेज नहीं है मुझे। ये है कि यहाँ पे मटेरियल क्या कम पड़ रहा है मैं वही गिरवाता हूँ फिर चला जाता हूँ। दूसरा सवाल, अभी जो ये पैसे जो यहाँ पे लग रहा है, बजट जो आया होगा, क्या गवर्नमेंट अपने घर से देती है कि इन तमाम नागरिकों की जो पैसे जाता है उससे होता है? ये आम जनता की, आम जनता के लिए ये रोड बना है कि सरकार के लिए बना है? ये आम जनता के लिए बना, आम जनता ही चलेगा इस पे। जब इसमें भ्रष्टाचारी होगा, भ्रष्टाचार आप लोग करेंगे तो इसमें आम नागरिक आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? नहीं, यहाँ पे सरकारी कर्मचारी है, उनके देख रेख में काम हो रहा है, जो भी हो रहा है ठीक, ये सारी जिम्मेदारी उनकी है। इनके नाम बताइए आप, उनका नाम? ये नबी रसूल हैं, वहाँ पे बैठे हैं, बोल रहे हैं और आप उनको? नहीं नहीं, क्या खेल चल रहा है? नहीं नहीं, वो सामने उस सरकारी मेट हैं। आप जांच किया होंगे ना, जय को फोन कीजिए, बुलाइए।